ओम शांति, ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। अच्छा अच्छा, अभी मैं क्या सुनाऊं? अब बाबा के समझदार लाडले शिकिल दे बच्चे बैठे हैं, ऐसे हरे को भान आता है मैं लाडला हूं, शिकिलदा हूं। शिकिलदा अक्षर सिंधी है, वास्तव में हिंदी शब्द नहीं है। शिकिलदा बड़े प्यार से, जैसे कोई कोई बच्चा नहीं होता है ना, अचानक उसको ऐसे इच्छा होती है मुझे बच्चा होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। तो ऐसे जो बच्चा हो तो कहते शिकिलदा बच्चा है मेरा, ऐसे भान आता है। शशि बहन आपको सामने बैठना चाहिए, कोई यहां नहीं करता है, कोई यहां करे ना, ये नहीं तुम भले बैठो या वहां, तुम शशि को ये जगह दो, तुम वहां बैठो। अभी मैं हाँ हाँ करेंगी ना तो मेरे को थोड़ा दिल को लगेगा, तो ये समझदार ये आज मस मस दिखाई पड़ते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, मैं उल्लैना किसको नहीं देंगी। क्यों ये क्यों उठ गई? तू शिकिल दियो ना, शिकिल दियो। अभी हर एक आज समझे मैं शिकिल दी लाडली। कोई कोई माँ बाप बच्चे को बड़ा लाड कोड़ से पालते हैं। तो आजकल बाबा, आज बाबा ने मुरली में कहा ना, जिस कुल में कोई जन्म लेता है ना, बड़ा होते ही उसको वो संस्कार मर्ज हो जाते हैं। भाई कोई मजदूर के पास जन्म लेगा तो उसके बेटे को बच्चे को कैसा होगा, देख करके वही काम करेगा। कोई जिस कुल में जन्म लेता है, मुरली सुनी ना, जिस कुल में जो जन्म लेता है ना उसको नशा चढ़ता है, किस कुल में। तो मैं देखने चाहती हूं तो हमारी अंसा भाई सांस ऑक्सीजन, इसमें तुम यहाँ बैठ, ऑक्सीजन कितने अच्छी मिल, कहती ऑक्सीजन मुझे चाहिए। मैंने कहा ऑक्सीजन मिलती है, तो मैं यहाँ आ रही थी ना, तो मैं देखा देखा ये श्वास, ये संकल्प, समय, तीनों बड़े अच्छे। श्वास है, संकल्प। आप लोगों को ओम शांति कहने में शायद श्वास में तकलीफ होती है। बाबा को याद करने की जरूरत तो नहीं है, पर श्वास है, संकल्प, समय। तीनों ओम शांति, श्वास में भी ओम शांति, संकल्प में ओम शांति, हर सेकंड ओम शांति। इतनी अंदर से दुआ भी है, दवा भी है, अंदर भाग्य भी है। दुआ है, दवा है, कुछ भी थोड़ा है ना, दवा है, भाग्य है। जो कभी ऐसा फील नहीं होता है, क्या करूं, ना ना, इतना अच्छा बाबा हमारे। अभी दूसरी बात सुनाती हूँ, सुना, मैं लंबा लेक्चर नहीं करने जानती, पॉइंट पर पॉइंट, पॉइंट पर पॉइंट, ना ना, वो तो मुझे नहीं आता है, प्रोजेक्ट चलाना फलाना, ना ना, मुझे टाइप करना भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। मुझे अच्छा लगता है न कैमरा को उठाना न कलम को उठाना। अभी मुझे निमंत्रण मिला है चिल्ली में, जो साइंसदान वास्ते मेरा हुई थी ना,
अब चिल्ली वाले कहते फिर से आओ, फिर से आओ। अब मैं चिल्ली वाले को कहूं फिर से आऊं क्योंकि तो क्या करूंगा करके, मेरा श्वास संकल्प समय कैसे सफल हो रहा है। ये अंदर से बड़ा बाबा खुश होता है, मेरा लाडला बच्चे को अपने आप को चलाने आता है। तो मुझे बार बार ये शब्द याद आता है, गुलजार दादी को कहा आपको बाबा प्यार ज्यादा करता है या मेरे को करता है, आपको जरूर करेगा क्योंकि आपके द्वारा बहुत सेवा लेता है ना, आपको जरूर ज्यादा प्यार करेगा। तो मैं कहा तेरे को तो करता है ना, मैंने कहा नहीं, मैं अगर ऐसा सेवा करूं ऐसा याद करूं तो करता है, नहीं ऐसे नहीं करता है, मुफ्त में नहीं करता है। बाबा को कहूं बाबा मुझे प्यार करो, नहीं करता है। मैं बताती हूं आप समझो बाबा प्यार करता क्यों नहीं करता है। हर एक अपन से पूछिए आपको बाबा प्यार करता है, इतना नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? तो जैसे मुझे अंदर से वो जेलिसी नहीं है, भले दादी को प्यार करे भले करे, दादी प्रकाशमणि को बाबा ने बहुत प्यार किया है मुझे पता है, बहुत प्यार किया, बच्चेपन से प्यार किया है, मेरे को मुफ्त में प्यार नहीं किया है। तो एक बारी मुफ्त की बात करती हूँ, एक बारी मुफ्तलाल कंपनी थी, पता है मुफ्तलाल कंपनी थी जहाँ कपड़ा बनता था मुफ्तलाल का। तो मेरे को बोला तुम क्या करती हो, मैं मुफ्तलाल कंपनी में काम करती हूँ, मुफ्तलाल कंपनी में, समझा, मुफ्तलाल में कंपनी में जो काम करने वाले थे उनको नशा था, हम मुफ्तलाल में काम करते हैं, हम मुफ्त यानी करते हैं मुफ्तलाल कंपनी में काम। पर कंपनी ऐसी है जो अच्छी तरह से ऐसा हमको अच्छा बनाती है, वो क्या फिर कहते हैं मैं तुमको बनाता हूं तुम औरों को बनाओ, भाई ऐसे थोड़ी है। वो मुफ्तलाल कंपनी 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 बनाएगी ना, नहीं, जिसको जो बाबा बनाता है ना कहते औरों को बनाओ, समझ रहे हो, सभी समझ रहे हैं ना, एलिजाबेथ समझ रहे हो ना मेरी बात को, समझ रहे हो, हाँ करो ना, नहीं समझ रहे, क्या करूं, नहीं ट्रांसलेशन ठीक नहीं है क्या? हाँ बहन, बाबा बना मुझे क्या बनाता है उसको बना दो, समझा, बिल्कुल बेचारा अनजान होए या बच्चा होए बुढ़ा होए जवान हो कोई भी अनपढ़ा हो या पढ़ा लिखा होए, ऐसी बात सुनाओ जो पढ़ा लिखा भी समझे मैंने जो कुछ पढ़ा है ना कोई काम का नहीं है, ये जो सिखा रहे हैं ना वंडरफुल है, सिखाने वाला कौन है ना उससे नशे से बात कर रहे हैं, तो सिखाने वाला कौन है वो हमारा शिक्षक भी है रिक्षक भी है, है? शिक्षक भी है रिक्षक भी है, शिक्षा देता है देखता है शिक्षा को, बच्चा जो धारण करता है ना उसकी रिक्षा अच्छी करता है, बड़ा संभालता है, देखा बच्चा शिक्षा को धारण करता है, कोई भी शिक्षा को भूलता नहीं है। तो अभी बाबा की शिक्षाएं क्या क्या है वो नोट होवे, कम खर्च वाला नशीन शिक्षा है, ऐसे नहीं ये होना चाहिए सॉल्यूशन होना चाहिए ये होना चाहिए, अरे काम थोड़ा सॉल्यूशन ज्यादा है, इतना सारा प्लान बनाएंगे कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल करने के लिए इसमें अव्यक्त बाबा ने 75 में बोला मूली चलाई थी, फिर अभी लेटेस्ट अभी ये मूली चलाई, कौन सी, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले, ऐसे नहीं प्लान बनाते रहे
और प्रैक्टिकल कुछ कर ना सके तो प्लान बनाने में टाइम बहुत लंबा जाता है, परंतु ड्रामा प्लान एक्यूरेट है, प्रैक्टिकल सामने अभी जो करना है ना, अब जो करना है ना। तो मैंने सुना है कोई प्रोग्राम रखा है, उस प्रोग्राम का टॉपिक ये सिर्फ नौ और कुछ नहीं, समझा? टॉपिक रखी है प्रोग्राम की ओनली नौ, लंबा चौड़ा और कोई विषय है नहीं। अब शब्द का महत्व बहुत है, प्लान की जरूरत नहीं है। यहां है बाबा, यहां है ड्रामा, मैं अब क्या करूं? बाबा ड्रामा, हम ये नहीं कह सकते बाबा जो ड्रामा में होगा, ये भी नहीं कह सकती हूं। बाबा कहेंगे मैं बैठा हूं तो करो, वही ड्रामा में तुम्हारा नूंधा हुआ है, तो कल पहले मुआफिक तुम्हारा पुरुषार्थ अच्छा होगा, प्रलब्ध बन जाएंगी। अब तो जब मैंने टॉपिक ये परिन, अब अभी मेरा असल दिमाग में है, इतनी अच्छी लग गई है। अब वो कहते मे मास में रखेंगे, मे मास में, अभी मे तक बजे, अब सबसे बात अच्छी है जो करना है अब कर ले, कल किसने देखा। ये एक इतनी अच्छी है इंद्र धारणा के लिए उत्तम बात है, जो फिर भी अभी एक बहुत खराब आदत है बीकेज में, खास बीकेज में खराब आदत है, पुरानी बात जरूर याद करके भेंट करेंगे पर अब कुछ नहीं कर सकेंगे। आज सुबह की बात भी अभी करेंगे ना, अभी कुछ नहीं करेंगे। सवेरे जो कुछ आनंद तुम भी समझ कुछ, तो आनंद स्वरूप स्थिति बनेगी, जो मिलेगा वो कहेंगे स्वामी सर्वानंद फलानंद गंगेश्वरानंद भैया सब वैसे आए, क्योंकि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ऐसे ऐसे अभी आजकल यहां मैं नहीं समझ, सुरमा नहीं पहनते हैं ना, पहनते क्या पत्थर कोई में। पुराने जमाने में बाबा की जो लोक में बहन थी ना, वो सुरमा अच्छा बनाती थी, बहुत अच्छा, जहां लच्छू की रूम में ना थी ना, वहां रहती थी, बहुत अच्छी प्यार से प्रेम को शीशी में सुरमा देती थी। खास बाबा सराय भी मंगा सभी में सुरमा पहनते थे, तो सब समझते थे मंडली वालों को जो है ना सुरमा जो स्पेशल पहनते हैं ना, तो इनको सुरमे में जादू है, सुरमे में जादू है। तो फिर कहते कोई ये सुरमा नहीं पहनना, जादू लग जाएगा। पर उस टाइम में, अभी तो आप हमें एक तो कोई ऐसी दृष्टि नहीं देते है ना, आगे दृष्टि ऐसे प्यार भर देते, जादू लग जाता था, माना आंखें बदल जाए, देखे तो सब ऐसे इतनी, हम एक तो को ऐसे देखते थे, अभी भी मैं चाहती हूँ सब ऐसे एक तो को देखो। ब्राह्मण कुल की है, ईश्वरी संप्रदाय के है, ब्राह्मण कुल के है, ईश्वरी संप्रदाय के है, दुनिया आसुरी संप्रदाय है, सत्युग में दैवी संप्रदाय होंगी, मैं ईश्वरी संप्रदाय का हूं। ऐसे एक एक शब्द में कितना नशा चढ़ता है, ईश्वरी संप्रदाय, ईश्वरी संप्रदाय। बताओ, सच बताओ डॉक्टर प्रताप, नशा है ना? अच्छा है, कितनी भी ड्यूटी सेवा होते हुए यहाँ हाजिर होता है, अच्छा है। दूसरा भंडारी हमारा, इसकी सीट फिक्स है, रमेश की भी सीट फिक्स है, सीट फिक्स है, कोई को सीट फिक्स नहीं है, ठीक है। पर ये भी सीट अपनी फिक्स करना, तो आज बाबा ने कहा सीट पर बैठो ना, सब ऑर्डर में होगा, पर सीट पर बैठते ही नहीं है, सीट पर बैठे, यहाँ सीट पर बैठ के मैं बोलेंगे ना, मैं इधर घूमेंगे इधर घूमेंगे तो कैसे बोलेंगे,
तो सीट पर सेट होना समझदार का काम है। अपसेट होना किसका काम है? जो अपसेट होता है बाबा के सामने एब्सेंट हो जाता है। बाबा के सामने आएगा अपसेट होगा तो भी प्रेजेंट की फीलिंग नहीं लेगा, खुशी नहीं लेगा। तो प्लीज कोई भी सेंसिटिव किसकी नेचर है ना, नाजिक नेचर है ना, तो नाजिक नेचर अपसेट बनाती है। कभी अपसेट अपसेट में थोड़ा मूड थोड़ी ऐसी हो जाती है। तो चाहते हैं अच्छा पुरुषार्थ करें, थोड़ा थोड़ा मुश्किल है अभी तक। अभी थोड़ा अब कहेंगे थोड़ा मुश्किल तो क्या हाल होगा? अगर आप कहेंगे थोड़ा मुश्किल है तो और जिस जो तुम्हारे साथ में होंगे उनके सामने भी तो मुश्किलात ले आएंगे। मैं कहेंगी अभी समझो बाबा ने अच्छा चारों तरफ फंसा लिया है, चारों तरफ फंसाया है। मैं ये कह नहीं सकती हूं कभी मुश्किल है, नहीं कह सकती हूं। न पुरुषार्थ में कह सकती मुश्किल है, न सेवा में कह सकती मुश्किल है, न कोई भाई बहन की कनेक्शन में मुश्किल है। ना 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 भाई, मेरा चार्ट आप रख देखते हो ना, कहेंगे ये शिकल कह सकती मुश्किल है? इसमें मुझे मेरे मीठे बाबा की एक सीन कभी भूलती नहीं है। जब हम ब्रज कोठी में रहते थे तो मेरा रूम यहाँ था, बाबा की रूम यहाँ था। तो जब भी मैं रूम से यहाँ पास करती थी तो बाबा के रूम में ऐसे देखती थी। तो कभी कभी कई बार मैं पास करूँ ना ईशा अच्छा, तो ऐसे बहुत फायदा लिया था। एक दिन ऐसे पास करके जा रही थी तो बुलाया, तो बोला बच्ची ये गीत गा रही हो ना, अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। अपना बना के मुस्कुराना, बाबा ऐसे एक्ट कर रहा है, अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। ऐसे भगवानों वाच है, भगवान ने कहा अपना बना के मुस्कुरा, तब से लेकर के मैं नहीं कहेंगी मुश्किल। भले श्वास न भी चले ना, मुश्किल नहीं है, श्वास चलना शुरू हो जाता है। बाकी भी अभी अभी गुलजार दादी ने संदेश में मुझे दिया ना भाई, तो अमृत वेला और निमा शाम जो योग का ध्यान रखती हो ना, तो तुमको उसके लिए ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो अमृत वेले और निमा शाम योग का दिन भर में भी अच्छी तरह से ऑक्सीजन अच्छी मिलती है। कभी ऐसा नहीं होता है यहाँ से ऑक्सीजन लेना चाह रहे, नो 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 नो, संभालो अपने आप। वैल्यूबल है ना, वैल्यूबल बाबा बच्चे है ना। दूसरा, चारों सब्जेक्ट में ध्यान रखती हो ना, इससे तुम्हारी एनर्जी बनती है। तीसरा, रहम दिल हो ना, सेवा के लिए तुम्हारी भावना है ना, ये परमात्मा बाप की देन मिली हुई है। वो संदेश ने 2 महीना सेवा कराई। अप्रैल में 15 को गई, जून 15 को आई, हमारी शांतामय दादी के टाइम पहुंच गई। जैसे आज हम आत्म प्रकाश भाई माँ के लिए परसों रात को पहुंच गई। वंडरफुल है, ऐसा परिवार, सारे सारी हिस्ट्री याद किया यज्ञ की, पुरानी हिस्ट्री आदि से लेकर के, इतना सारे परिवार में इतने सब समर्पण होवे, यज्ञ कितने सेवादारी होवे, पता भी न रहे ये माँ बेटा है या पति पत्नी है, यहाँ रहे परे है। पति कभी असल में याद नहीं था, आज याद आया, बेटा वहां सेवा कर रहा है, दूसरा वहां सेवा कर रहा है, माँ वहां सेवा कर रही है, पति वहां सेवा कर रहा है। ऐसे निर्मोही, इतने अच्छे क्वालिटी वाले, इतने अच्छे समझदार बाबा के बच्चे, कभी भी कोई भी प्रकार के, मैं नहीं समझती हूँ कोई ने सारे परिवार में किसी ने कोई किससे लड़ाई झगड़ा किया होगा, संस्कार के टक्कर ना ना। तभी जब मैं जयंती को बताया ना, आत्म की मान का संडे है ना, जो लंदन में क्लास कराया, फिर कहती है वो जो आत्म है लिटरेचर वाला, उसकी माँ भी जिंदा है ना
मैंने कहा वंडरफुल है, दोनों आत्म की माँ, अभी ये आत्म की माँ, अभी उसने उसने उस आत्म की माँ को याद किया, वो तो वंडरफुल है, वंडरफुल है। अभी भी आत्म ने कहा था तुम कभी आओ ना, माँ जी माता जी कहती है मैं दादी के पास जाऊं क्या करूं, कहती कुछ कुछ लेके आएंगी ना यज्ञ के लिए, लेके आएंगी ना। 100 साल से ऊपर हो गई है, 100 से 2 साल है, और वो ये पता नहीं इसकी उम्र कितनी थी, मुझे याद नहीं है, 70 87 पता नहीं, मुझे सुनाई नहीं पड़ता है कुछ भी नहीं, ठीक है। पर तो वो तो उसने वो जिंदा तो मुझे भी फौरन कहने लगी। मैंने कहा ये देखो सेवा करते कितना भाग्य है, उनकी माँ भी भाई इतनी अच्छी सेवाएं करे और इतना अनासक्त वृत्ति वाले रहे, इतना नष्ट मोह रहे। यज्ञ का जो बाबा जब आता है ना, गुरुजा दादी जब पहले दृष्टि देती है ना, उस घड़ी पहले ये ऐसे से करती है, आत्म की माँ करती है, तो ये एक भाग्य की बात है ना। तो बाबा ने जो आज कहा ना, मैं सब समय बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना भाग्यशाली है, पर भाग्यशाली भी कोई समझे ना फिर शक्तिशाली बनेंगे। अभी कईयों के चेहरे से लगता ही नहीं है मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ। कैसे मधुबन में बाबा के घर में बैठी हूँ, इंद्रप्रस्थ में बाबा ने बिठा दिया है, टावर ऑफिस के सामने, वंडरफुल है, भाग्यशाली है, जो भी वहाँ बैठता है कितना खुशी को होती है, बाबा भाग्यशाली हूँ, भाग्य भाग्य ये कहते 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 पदमा पदम भाग्यशाली हूँ। फिर शक्ति आती है ना, सेवा कर भाग्य करते सेवा करते जाओ, भाग्य बनाते जाओ, तो इतनी खुशी में रहो। शशि बहन ओम शांति भवन में बैठना, इतनी बड़ी अच्छी सभा में बैठना, अरे जो यहाँ बैठे ना वो भाग्यशाली एकदम। हॉस्पिटल में भी भले जावे लेकिन भाग्यशाली, हॉस्पिटल में देखिए भाग्यशाली, सेवा करने वाली भी कहे हम भाग्यशाली, ठीक है ना, सेवा करने वाला भाग्यशाली, पेशेंट भी कहे मैं भाग्यशाली हूँ, बड़ी अच्छी सेवा मिली। तो अभी जो स्पेन वाला आया है ना, उनको याद कर, मैं टाइम नहीं मिलेगा, याद प्यार देना, खास स्पेन से सिंधी भाई है, उसने सुना था यहाँ ये घुटने का होता है, मुझे वहाँ आने दो ना। तो मधुबन भी मिलेगा, बाबा भी मिलेगा साथ साथ, और फिर उस शरीर भी ठीक हो जाएगा। तो कितनी दुआएं मिलती है, तो सेवा भी करो, तो ये भी देखो सेवा में मुझे दुआएं कितनी मिलती है। ऐसे नहीं इधर घूमे उधर घूमे उधर घूमे, ना ना, याद में भी रहना, सेवा में दुआएं भी लेना, आपस में प्रेम प्यार से रहना, रूहानी दर्शन में रहना। वो कहेंगे वो कौन है, कौन है, लाडला सिकीलदा बाबा का नूरे रतन नूर में बैठा है, वो बाबा के साथ यहाँ बैठ के चलेंगे उस पार। अभी ये हमारी भावना है, हमारी भावना है, तो जैसे बाबा ने अपनी नजरों में बिठा लिया है और हमने भी चोरी चोरी उसको भी नजरों में बिठाया है, दादी गुलजार के नजरों में बाबा नजर आता है, उसको कहते मेरे भी नजरों में बाबा आ जाए ना, क्या हो जाए, मैं कोई बात ना देखेंगी तो जाएंगा, कोई बात देखेंगी ना और देखेंगी ना तो बाबा नहीं आएगा। बाबा बड़ा होशियार है, मुफतलाल कंपनी में काम नहीं कर, मुफत में काम नहीं करता है। बाबा को आप अच्छी तरह से काम भी ध्यान न जावे, एक बाबा को नजरों में छिपा के रखो, नजरों में छिपा के रखो, तो वो क्या करेगा, अपने नजरों में मुझे छिपा के रखेगा, छिपा के रखेगा, तो किसकी भी कभी नजर नहीं पड़ेगी। अभी नजर की बात टाइम हो गया, नजर की बात ऐसी होती है, कभी किसी की नजर अच्छी होती है तो चढ़ती कला होती है, किसकी नजर पड़ती है ये आगे जा रहा है, इसको ये पैसा मिल रहा है, इसे अच्छी सेवा कर, अभी इसको गिराऊं,
उसकी नजर फिर सारा दिन रात उसके अंदर चिंतन में हो, ये गिरे कैसे है, उसके चिंतन में हो और किसके नजर में है, रात दिन का फर्क। अभी इतनी सूक्ष्म गहराई में अपने आप को चेक करना, चेंज करना, ये बड़ा भाग्य है। समझ रहे हो ना, अंदर ये हमारी मधु बैठी है ना, ये मधु है ना ऋषि, ये मधु है नी, मधु है ना, जो फिलीपीन वाली मधु है ना, हम बोलो ना ऐसे ऐसे करो ना, एक्ट करो ना, इसको अच्छी बातें लगती है, पर मैं कहती हूँ ऐसी अच्छी करो सद्दा के लिए, ऐसी अच्छी करो जो तेरे को देख करके करने लग पड़े, समझ। प्रैक्टिकल किसको करना बड़ा इच्छा हो जाए, तो अभी इस सवारी मधुबन में जो बैठे हैं ना भाई बहने, इतना थोड़ा सूक्ष्म रियलाइज करके कौन सी सूक्ष्म बात है जो बाबा के सिकिल दे लाडले नूर रतन की भासना इतनी अनुभव नहीं हो रही, कारण क्या है, कारण को सोच के मुंझ नहीं जाओ, घबराओ नहीं, कारण खत्म कर दो, बाबा की दृष्टि से हो जाएगा, बाबा के बोल से हो जाएगा, हो जाता है, हो जाएगा नहीं, हो जाता है। तो बात आती है अब क्या करने का है, टोटल सारे आज के हमारे मिलन का मतलब है अब। अभी नौ जो शब्द निकला ना, तो नौ तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं लगती, पर हिंदी का अब शब्द जो है ना, तो कभी कब कहने नहीं देगा, जो करना अब कर ले, तो बाबा बड़ी अब हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, भले बिना सामने आ जाए हम बाबा के साथ चले जाएंगे। ओके, ओम शांति।